जैसा कि हमने कल देखा कि गलत से दूर जाना और सही को करना एक अच्छी बात है, जिसे दूसरे शब्दों में पश्चाताप कहते हैं। लेकिन वो अंधेरे की ताकतों को आपके सिर पर गिराकर चकनाचूर कर देता है। लेकिन एक रास्ता है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइजैक न्यूटन के गति के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के परिणाम स्वरूप समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और वही बात आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सच होती है कि जब हम उससे दूर होने का फैसला करते हैं जिसे हम जानते हैं कि गलत है, शैतान बिना किसी संदेह के आपके पीछे आकर कोशिश करेगा कि आपको पाप में वापस खींच ले। इसलिए कल हमने जिस अंश को देखा वो इतना महत्वपूर्ण है, दूसरा थिसलोन के उसका तीसरा अध्याय तीसरा और चौथा वचन, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता में स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते भी रहोगे और मानते हो। परमेश्वर इसमें आपके साथ है, आपको शक्ति देने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, और ये एक ऐसी चीज है जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन दिलचस्प है कि प्रेरित पौलुस थिसलोनिके की कलीसिया में अपने दोस्तों के आगे क्या लिखता है। दूसरा थिसलोनिके उसका तीसरा अध्याय पांचवें वचन में लिखा है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। वो और उनकी टीम प्रार्थना कर रहे थे कि वो दृढ़ता से खड़े होकर प्रभु का सम्मान करने के लिए बुराई के खिलाफ अपने जीवन में सर्वोच्च रुख को अपनाते हुए वे अपने दिलों में ईश्वर के प्रेम का अनुभव करें और अपने दिमाग से धैर्यपूर्वक धीरज को याद रखें जो यीशु ने उनके लिए क्रूस पर जाने के समय प्रदर्शित किया था। और मेरी भी आपसे यही दुआ है कि जब आप अपने विश्वास से भरे पश्चाताप में दृढ़ होते हैं तो पवित्र आत्मा आपके हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भर दे और लगातार आपको मसीह की मृत्यु के धीरज को याद दिलाए। ये उसका ताज़ा वचन है आज आपके लिए।